हे दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हजारों सालों से, जब से इंसान ने इस धरती पर अपना पहला कदम रखा है, तब से किसी भी मर्द या औरत ने एक माइल की रेस 4 मिनट से पहले खत्म नहीं की थी। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 1950 के दौर में बहुत से डॉक्टर्स, एक्सरसाइज एक्सपर्ट और फिजियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि किसी भी इंसान के लिए इतनी तेज रफ्तार से भाग पाना एक तरह से नामुमकिन चीज है। उनका इतनी तेज रफ्तार से भागने के कारण उनका दिल फट सकता है। मगर इस सब के बावजूद एक इंसान ऐसा था जिसने इन नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाया था, क्योंकि उसने बड़ी गहराई से अपने दिमाग में नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ख्याल बैठा लिया था। और उसकी सिर्फ एक रेस ने सभी एक्सपर्ट रियलिटी और तमाम तयशुदा मान्यताओं को तोड़ मरोड़ के रख दिया। ये 6 मई 1954 की बात है, जब किसी मिडिल डिस्टेंस रनर ने पहली बार 3 मिनट और 59.4 सेकंड्स में अपनी 1 माइल की रेस जीतकर इतिहास रच दिया था। हम बात कर रहे हैं रोजर बेनिस्टर की। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोजर बेनिस्टर का रिकॉर्ड 46 दिनों के अंदर ही तोड़ दिया गया। और अब तक करीबन 4500 लोगों ने ये 4 मिनट वाली रेस कंप्लीट कर ली है। और आज ये रेस सभी मेल एथलीट्स के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो आखिर ये क्या था, इंसानी दिमाग की उलझन या कोई जज्बाती परेशानी जो इसे लगभग नामुमकिन बना रही थी, या फिर ये एक ऐसी बात थी जो बिल्कुल भी इंसानी ताकत से बाहर की बात थी, जैसा कि एक्सपर्ट का मानना था। आइए देखते हैं कि किस तरह रोजर बेनिस्टर ने पूरी दुनिया को हैरान करके लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि नामुमकिन में भी मुमकिन शब्द छुपा हुआ है। इससे 2 साल पहले की बात है, सन 1952 में हेलेंसी की ओलंपिक्स में बेनिस्टर ने 1500 मीटर का ब्रिटिश रिकॉर्ड बनाया था। और ये जीत के लिए काफी नहीं था, उसने ये रेस 4th स्थान पर खत्म की थी। 2 मई 1953 में अपने माइल रिकॉर्ड से 1 साल पहले रोजर ने 4 मिनट माइल का रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अपनी पूरी ताकत से भागने के बावजूद उन्होंने वो रेस 4 मिनट 36 सेकंड्स के समय में खत्म की। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी अपनी हार के बारे में उन्होंने कहा, इस रेस के बाद मुझे लगता है कि 4 मिनट की माइल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और मैं अभी हार नहीं मानने वाला हूँ। रोजर का मानना था कि हार की वजह से उनकी जीत का इरादा और भी मजबूत हुआ है। दुनिया का पहला 4 माइल जीतकर दावेदार बनने का उनका ये इरादा, ये लक्ष्य, इनाम की ख्वाहिश की वो चीजें थी जिन्होंने उनका हौसला बनाए रखा और प्रेरित किया और भी ज्यादा मेहनत के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। बहुत से लोगों ये बात ना जानते हो, मगर 1946 में रोजर बेनिस्टर ऑक्सफोर्ड में अपनी मेडिकल स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, जहां उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। तकरीबन हर रोज वे अपने लंच टाइम के दौरान 3 पेस देकर पार्क के अंदर जाया करते थे, जो कि उनके हॉस्पिटल के पास ही था। इस पार्क में जाकर रोजर दौड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे। इस वक्त तक वो इतने काबिल रनर नहीं बने थे और उनकी चाल एक तरह से बेढंगी कही जा सकती थी। ऑक्सफोर्ड की 3rd नंबर की टीम ट्रैक में वो बमुश्किल जगह बना पाए थे। 22 मार्च 1947 में रोजर ऑक्सफोर्ड की पहली टीम में माइल रेस में बतौर पेसर दौड़ रहे थे, जिसका मुकाबला कैम्ब्रिज से था। और उनका काम एक पेसर के रूप में इतना ही था कि वे भागने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक में रहने में मदद करें। मगर इस रेस में रोजर ने न सिर्फ ट्रैक कोर्स की पूरी दूरी तय की, बल्कि रेस के स्टॉपिंग पॉइंट के 20 यार्ड के ज्यादा भाग की रेस 4 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। रोजर अब तक समझ चुके थे कि दौड़ना उन्हें खुशी देता है और वो काफी हद तक अच्छा दौड़ लेते थे। ये बात जानकर उन्होंने और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे और तब तक करते रहे जब तक कि 7 साल बाद उन्होंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ डाला। इसमें एक रोचक बात ये थी कि उनका ये रिकॉर्ड 46 दिनों की कायम रहा। तब से लेकर कई पुरुष खिलाड़ियों 4 मिनट माइल बैरियर तोड़ चुके हैं। आज ये रेस सभी पुरुष खिलाड़ी और मिडिल डिस्टेंस रनर के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। करीब
4500 से भी ज्यादा लोग 4 मिनट वाली ये रेस दौड़ चुके हैं। हालांकि इसमें एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है जो 1999 में मोरक्को के हिशाम एल ग्योरोज ने 3 मिनट और 43.13 सेकंड में बनाया था। बनिस्टर के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के 55 साल बाद यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें रोजर बनिस्टर की जुबानी समझी। बनिस्टर ने कहा कि उसके दिमाग में ऐसा कोई तर्क या लॉजिक नहीं आया जिससे उन्हें ये लगता कि अगर 1 माइल को 4 मिनट और 1 सेकंड में दौड़ा जा सकता है तो 3 मिनट और 59 सेकंड में क्यों नहीं। रोजर मेडिसिन और फिजियोलॉजी की काफी जानकारी रखते थे और वो ये भी अच्छे से समझते थे कि फिजिकल बैरियर जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो कुछ हमें रोकता है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल बैरियर है। मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने आपके दिमाग में ऐसा कुछ है जो किसी भी बारे में आपको पूरा यकीन दिलाता है फिर भी उसे हासिल कर पाना आपको नामुमकिन लगता है। अगर इस बात को आप और गहराई से सोचे तो मालूम होगा कि ये तो हकीकत और आपके ख्यालों के बीच की एक लड़ाई है। जो कुछ भी है वो तो सिर्फ एक जज्बाती और साइकोलॉजिकल बैरियर है। रोजर बेनिस्टर को यही मानना था कि जो बात उन्हें आज नामुमकिन लग रही है कल कोई और उसे मुमकिन कर ही लेगा, और उस मुमकिन को हासिल करने वाला पहला इंसान रोजर खुद बनना चाहते थे। अब इस ख्याल को जहन में रखकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्यों नहीं और भी गहराई से अपनी काबिलियत पर गौर करते हो। किसी पीटी मान्यताओं को एक बार चुनौती देकर तो देखो, अपनी आदतों को बदल कर तो देखो, अपनी सोच को ललकार कर तो देखो। तुमने अपने लिए जिस गोल्ड मेडल का सपना संजोया था उसे हासिल करके तो देखो, बस यही तुम्हारी सोच तुम्हें रोक रही है। एक बार सोच बदल कर तो देखो। अब आपकी बारी है कि आप भी अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं जैसा ही उसे होना चाहिए, किसी मास्टरपीस की तरह मुकम्मल। अपने सपनों को आज से ही पूरा करने में जुट जाए, अपने डर को ही अपना हथियार बना लीजिए। दोस्तों, अपने सारे साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दे, जिंदगी खुल के जिए, आत्मविश्वास के साथ जिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं। धन्यवाद।